ये जेवर बदल कर दूसरे जेवर बनवाने के लिए हम लोग सुनार के पास गए थे सर, लेकिन उस सेठ ने हमें बाहर भगा दिया। ऐसे कैसे भगा दिया? अगर तुम लोग एक मिनट भी यहाँ रुके तो मैं पुलिस स्टेशन फोन करूंगा, पुलिस वाले आके तुझे मारेंगे। पुलिस हा? वाले मारेंगे? ये क्या बात कर रहे हैं आप? रवा लड्डू भी इससे नहीं मिलेगा, इसको देकर नेकलेस लेना है क्या? क्यों सेठ, नाटक क्यों कर रहे हैं? यही से खरीदा इसे। ए बिल दे, ये लो बिल देखो। हाँ बिल करेक्ट है, पर सोना करेक्ट नहीं है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, जाके पता लगाओ, मुझे ये नहीं लेना। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, देखो ना कैसे बात कर रही है। आपके यहाँ से ही तो खरीदा था, अभी मना कर रहे हैं। जाओ बाहर, चल चल उठ, चुप हो जाओ। शांता मुझे अंदर जाने दे। अरे अरे रुकिए ना, अगर उस सेठ ने असली सोना नहीं बेचा होता तो बैंक वाले उसे गिरवी पर क्यों रखते? चलिए जाकर पूछते हैं, चलिए बैंक चलिए। ए सेठ, मैं वहाँ से अगर तुझे देख लूंगा छोड़ूंगा नहीं। उस सेठ के यहाँ से हम सीधे सीधे अपने श्रमा बैंक चले गए। हाँ भाई, कुछ दिनों तक हमारे बैंक में गिरवी पड़ा था, इसको छुड़ाकर एक महीने हो गए। आपने जो रखा था हमने वही लुटाया, अब ये नाटक क्यों लगा रखा है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, आपने ही कुछ किया है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है। आपको यहाँ से ले जाने से पहले चेक करके ले जाना चाहिए था, समझी? एक महीने के बाद आकर यहाँ पर नाटक कर रही है। गोल्ड अप्रेजर या असिस्टेंट मैनेजर से मिलने के बजाय डायरेक्ट मैनेजर से ही मिल लेते ना तुम लोग। हमने वो भी किया सर। क्या कहा उसने? अगर गलत बात करोगे तो चप्पल से मारूंगा। बैंक और बैंक के स्टाफ को ब्लेम करना चाहते हो क्या? ये सब करने के लिए किसने कहा? रेपुटेशन खराब करने के लिए कितना पैसा मिला तुम्हें? तुम लोग कितने में बिके हो बोलो। मैनेजर की बातों का कोई मतलब था सर? आप ही बताइए। धोखा उन्होंने दिया और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं सर, हम पर भीख मांगने की नौबत आ गई है। आपको ही हमें इंसाफ दिलाना होगा सर, इंसाफ दिलवाइए। पवित्रा, पवित्रा बेटी, पवित्रा। हाँ आ रही हूँ। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। नौकरी ज्वाइन करने से पहले अनाथों को अन्नदान कर रही हो? ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। नमस्ते सर। नमस्ते। आशीर्वाद दीजिए सर। खुश रहो बेटी। देखो बेटी, पुजारी जी मेरे जिगरी दोस्त हैं, इसलिए या फिर मैं तुम्हारा चाचा हूँ, इस पवित्रा को मैं जॉब नहीं दे रहा हूँ, तुम इसके काबिल हो इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है ना? थैंक यू सर। आज 10 बजे आकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, क्यों, ये क्या हो रहा है तुम्हें? गर्मी लग रही है। अगर ऐसा है तो मैं विश्व रूपम दिखाता हूँ तुम्हें। जब कोई लड़की चूल्हे के पास बैठती है तो भी इतनी गर्मी होती, जितनी गर्म तू अभी है। जल्दी से गर्मी उतार दो ना। एक काम में देरी किस चीज की? कट, ओके। ए, ए, उठो, हट जाओ। कट, ओके। कट, कट। बदतमीज, हटो। कट, हटो। ए, ए, क्या कर रहा है? ए, ए, छोड़, छोड़ से, छोड़, हट जा। ए, ए, कट बोलने के बाद उठ जाना चाहिए, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? मेरे कॉमन सेंस को साइड में रखिए सर, पहले आप अपना काम सेंस ठीक करिए। पहले युद्ध की तैयारी करवाई और जैसे ही मैंने तलवार घुमाई आपने कट कर दिया। आवारा कहीं का, दबा दबा के पूरा शरीर लाल कर दिया, दर्द के मारे मेरी तो जान निकल रही है।
दोबारा इसके साथ मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। साइड दे। क्या यार, इतनी बार कट बोला फिर भी नहीं सुना तू? गलती मेरी नहीं है सर, भूख की है। लेकर जाओ। अरे इतनी ज्यादा भूख है तो शादी कर लेना, लोकेशन में हैवानियत नहीं चलेगा। शादी करना चाहता हूँ, ये देखिए मंगलसूत्र लेके लड़की के पीछे भाग रहा हूँ, अब वो मान ही नहीं रही है तो मैं क्या करूँ। ये लो। जाने मन। अरे यार ये फिर आ गया। यादगिरी, अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे तो दांत तोड़ दूंगी। क्या करूं जाने मन, मैंने ब्रेक मारी फिर भी मेरी गाड़ी ने तेरी गाड़ी को ठोक दिया। क्या करूं, तू चीज ही ऐसी है। अपना मोटापा कम कर। मोटापा? वो भी मेरा मोटापा? तू ये मंगलसूत्र पहन ले, मेरा सारा मोटापा पिघल जाएगा। उससे अच्छा तो मैं फांसी ना लगा लूं। शुभ शुभ बोलो जाने मन, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। इसे पहन लो जाने मन। मेरी इज्जत चली जाएगी, अपना काम करो। ऐसी बात है तो मैं खुद ही पहना देता हूँ। दिमाग खराब है क्या? ये क्या किया तुमने? गंदी फिल्मों से कमा कर जो तू लेकर आया है, इसे भला मैं कैसे पहनूं और तुझसे शादी कैसे कर लूं? अरे यार जानू, मैं गंदी फिल्मों में काम नहीं करता हूँ, बस थोड़ी सी रोमांटिक होती है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। जाना यहाँ से, निकल। मेरी जान, तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा, यही रहूंगा और तुझे निहारूंगा। पुष्पा चल जल्दी से शादी कर लेते हैं ना, फिर हमारी एक फूल जैसी लड़की होगी और दो लफंगे लड़के मेरी तरह, जिंदगी अच्छे से बीतेगी। मेरी लाइफ में आ जाना। मैं आई ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। भगवान, हमारी शादी जल्दी करवा दो। ए, घंटा बज गया, मतलब हम जल्दी शादी के मंडप में बैठने वाले, तैयारी कर ले। हाँ करूंगी शादी। ए वेस्ट फेलो, तूने उन गंदे वीडियोस में आकर मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। अपने भाई की तरह किसी मैकेनिक शॉप में काम करना। ब्लू फिल्म स्टार बेस्ट फेलो। क्या खा के पैदा हुआ रे? देखो बेटी, जो भी काम को भगवान की तरह पूछता है वो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है। यू नो समथिंग, कस्टमर इज बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा महान लोगों ने कहा है, वो तुम्हें हमेशा याद रखना है। ओके ओके सर। लुक एवरीबॉडी, शी इज पवित्र, आज से हमारे बैंक में गोल्ड अप्रेजल के तौर पर काम करेंगी। शशि इज द असिस्टेंट मैनेजर। शशि, इनसे सबको इंट्रोड्यूस करवा कर इसके बाद इनको इनका टेबल दिखा दो। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके ना? ओके जी। हिचकिचाइएगा नहीं। टेक केयर। इसका नाम क्या है? अरे वो क्या है, कुछ ग्राइंडर टाइप है ना? ग्राइंडर नहीं रे, ट्रांसजेंडर। कल्पना कौन है पता नहीं है क्या? साक्षात अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। निकलो, निकलो यहाँ से। चल चल निकल। अरे अरे कल्पना, तुम इस तरह रो मत, ये तो सबके सब गली के लफंगे हैं। कल्पना इसलिए तुम बस रो मत यार। तारा, कार में टिफिन बॉक्स लेकर आओ। ओके सर। सत्यम। सर। हम में जान होती है तो मिट्टी हमारे नीचे होती है, जान चली जाने के बाद मिट्टी हमारे ऊपर। जिंदगी बहुत ही अजीब है ना? हाँ सर। सर औरतें मर्दों की जान उपमा से ले लेती है यार। ऐसे क्या देख रहे हो सत्यम? इस समाधि में जो हैं, वो आपके क्या लगते हैं सर? मेरा कुछ नहीं लगता। तो फिर ये फूल क्यों चढ़ाया सर? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक शिकारी एक शेर को मारने निकला।
उसने रिवॉल्वर निकाला। क्या शेर मर गया सर? नहीं, हिरन मर गया। शेर लकी निकला, वो बच गया। बेचारा हिरन, बेकार में ही वो मारा गया ना सर? उसी के प्रायश्चित के लिए ये फूल। फिर वो शेर नहीं मिला क्या? अगर ये उस हिरण की समाधि है तो जिस पर बैठा हूं वो शेर की है। मतलब वो शिकारी मैं ही हूं। सर, ये लीजिए फाइल सर। राजस्थान बलवीर गैंग, गुंडों का झुंड, 22 रेप और 12 मर्डर्स, एक और रेप और मर्डर से पहले इन्हें पकड़ना होगा। हमने बॉर्डर पर किया है, ये पुलिस वालों को मालूम पड़ गया है साहब। उनके हाथ लगने से पहले लूट लेते हैं। इस बार तुम लोग लूटने नहीं, रुद्रा के हाथ लगने आए हो। इस बार बैंक लूटेंगे। हमारे काम आने वाले सारे बैंकों की रेकी करो। जी बॉस। शिकार फिर से शुरू होगा, लेकिन इस बार शेर का नहीं, भेड़ियों के झुंड का। तेरा कोई जवाब नहीं यार। ये रानी तो मेरी हो गई, लेकिन मेरी रानी मुझे भाव ही नहीं देती। अरे तेरी वाली तो बहुत अच्छी है, मारती भी नहीं और डांटती भी नहीं, और मेरी वाली बात भी नहीं करती ठीक से। कॉलेज की लड़कियां बेटर होती हैं, उनके जैसी कोई होती ही नहीं है। लड़के पीछे पड़ जाएं तो पटने में देर नहीं लगाती हैं, तुरंत रूम पे भी चली जाती हैं। पर मेरी वाली नाक में दम कर रखी है। चाय ले लो भैया। अरे वो चाय पकड़ ले। ए, पूरे 150 रुपए हो गए। दे दूंगा चाचा, गांव छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। ब्लू फिल्म का स्टार है ना, कहीं तू फौरन ना चला जाए। वहां जाके अच्छे पैसे कमाऊंगा, फिर तुम्हारी दुकान में नहीं 5-star होटल में चाय पीऊंगा। अरे तू पहले अपना धोना सीख ले। चाचा मजे ले लो, तुम नहीं लोगे तो फिर कौन लेगा, ले लो। ए वेस्ट फेलो, क्या हुआ बे? फाइनेंसर शंकर भाई आके पूर्णा को मार रहा है। भैया नहीं। भैया पूर्णा को मार देंगे यार। अपनी जान दांव पे लगा दूंगा, लेकिन दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, शंकर भैया उन्हें बचाइए ऐसा कहा था। मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे तेरे बेटे ने। 1 साल बीत गया, छोड़ दूँ क्या? थोड़ा रहम करो शंकर भैया। बीच में तू क्यों घुस रहा है बे? अरे भैया इसको लगता है सारी बस्ती इसी की है। ए, तू अपना मुंह बंद करना। लड़की अच्छी है। नहीं, पैसा देकर इसको ले जाना। चल रुक जा भैया, ये सब क्या है? ए फूल वाली, तू बीच में क्यों आ रही है बे? पैसा नहीं देंगे तो लड़की ले जाओगे क्या? सीट कर ले जाऊंगा, क्या कर लेगी? हाँ? क्या कर लेगी? छोटी बच्ची है, छोड़ दीजिए ना भैया। क्यों छोड़ दूं? पूर्णा भाई, पूर्णा भाई, हे पूर्णा, पूर्णा उठना, पूर्णा, हे, ये क्या है? पैसे के लिए किसी की जान ले लेगा क्या? ये ब्लू फिल्म वाला अपने आप को सुपरस्टार समझ रहा है क्या? इसको ले जाकर गाड़ी में डाल दूं क्या भाई? ज्यादा होशियार मत बन तू। दोस्त के लिए जान देने और जान लेने के लिए हमेशा रेडी हूँ मैं। मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम दो, आपका पैसा दे दूंगी। अगर नहीं दे पाई तो तुझे उठा कर ले जाऊंगा। अगर इसे हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, लव का चक्कर है? तुझे क्या, तुझे तो बाद में देख लूंगा। ए, क्या कह रही थी, पैसे तू देगी, कागज पर साइन करेगी क्या? दो, करूंगी। ए, ये लो भाई, साइन कर। नहीं पुष्पा, ये तुम्हें फंसा देगा। अगर ऐसा है तो इस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं साइन करूंगी। ये लो रखो इसे।
एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो तुझे उठा कर ले जाऊंगा। कितनी चोट आ गई है। हाँ, कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल चलते हैं पूर्णा। कुछ नहीं होगा माँ। तूने जोश में आके बहुत गलत किया। एक हफ्ते में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? बैंक से आएगा। बैंक से? कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा क्या वहाँ? आप कौन हैं? यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैंने सुना, इसीलिए मैं आपकी मुसीबत खत्म करने आया हूँ। आप कैसे खत्म करेंगे? हाँ, बैंक में मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, उनके जरिए मैं हर किसी को 1 या 2 लाख का लोन दिलवा दूंगा। तुम ऑटो खरीद लेना। और बात रही तुम्हारी, रुकना भाई, आजकल फ्री में कोई सलाह भी नहीं देता है और तुम लोन देने की बात कर रहे हो, हमें पागल समझा क्या? जो इंसान तुम्हारी मदद करने आया उस पे शक कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, अगर भरोसा नहीं तो नुकसान तुम्हारा है। मैं चलता हूँ। रुकिए सर, सच में लोन मिल जाएगा क्या? वो मेरी जिम्मेदारी है। ये लो, तुम सभी लोग इस पेपर पे साइन कर दो। जरा मुझे दिखाओ। ओ श्रमा बैंक, ये तो बहुत बढ़िया बैंक है। तुम भी साइन कर दो। क्या होगा? हाँ तुम भी कर दो। हे दुर्गा माँ, अब तुम करो यहाँ पर। ओके, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा है, कभी भी कॉल कर सकते हो। तुम सभी लोग अपनी फोटो और व्हाट्सएप इस पर मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना? मैं चलता हूँ। क्यों रे, शेरनी की तरह पैसे मैं भर दूंगी क्या? अगर तूने साइन क्यों किया? कहां से भरेगी? रोड पर फूल का धंधा करेगी, जिस्म का धंधा करेगी? छी बेवकूफ लड़की, अगर ज्यादा बकवास किया ना तो तेरी शराब में जहर मिला दूंगी। मैडम, मुझे आपसे बात करनी थी। एक मिनट रुकिए। भैया, लेफ्ट साइड में मैनेजर का रूम है, राइट साइड में 3 कैश काउंटर है, सोना भी बहुत है। भैया 3 CCTV कैमरा है, लूटना शायद मुश्किल होगा। हमें कैच करना मुश्किल है। मतलब? काम हो जाएगा, आ जाओ। कृष्णमूर्ति जी, कृष्णमूर्ति जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं ना? अकेली जिंदगी में किसी ने अगर इज्जत से बुलाया तो इसमें परेशानी किस बात की है पुजारी जी? 20 साल पहले मुझे मेरी पत्नी छोड़कर चली गई, तब से वो उस दीवार पर है और मैं इन 4 दीवारियों में हूं। वैसे कैसे आना हुआ? तिरुपति से प्रसाद आया था, वही देने आया हूं। थैंक यू, अब मैं चलता हूं। ठीक है।
सुन कल्पना, मैं फूल देकर आती हूँ। ठीक है। अरे हर रोज इतना लेट आता है जैसे कि ससुराल में आया हो। समय की अहमियत नहीं है क्या? तू अपने हिसाब से आएगा तो गाड़ी कब रिपेयर करेगा? अरे कौन है? क्या हुआ भाई, मारा क्यों मुझे? अरे गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, ध्यान क्यों नहीं देता? क्यों भाई, मतलब ऐसा क्या हो गया? क्या मुसीबत है, जाकर अपना काम कर। ठीक है। क्यों बे, तुझे अलग से बोलना होगा, चल। दीदी। क्या है ये दीदी? क्या हो गया? हमारा ये भाई इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है बेचारा, उसके बारे में थोड़ा सोचो ना। ए, इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें कर रहा है? इसको बहुत जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में तुम्हारी मर्जी। ए जाना। दीदी रुको ना, दीदी मेरी बात तो सुनो। 1,20,000 तक मिलेगा। बस इतना ही? मुझे तो 2,00,000 की जरूरत है मैडम। आपको जरूरत होगी लेकिन हमारे भी तो कुछ रूल्स हैं ना। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमारी कॉलोनी के सेठ के पास रखेंगे तो 1 तोले पर 40,000 देंगे। आपकी कॉलोनी के सेठ का व्यापार अलग है, हमारे बैंक के नियम अलग हैं। आपकी जरूरतों को हथियार बनाकर जितना मांगो उतना देते हैं और ब्याज का रेट बढ़ा देते हैं। ये ब्याज वो ब्याज जोड़कर आपका सोना हथियाने की नौबत तक लेकर आते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, हम आपकी जरूरत के लिए कैश देते हैं पर आपकी जरूरतों को कैश नहीं बनाते। थैंक यू। सर मे आई कम इन? प्लीज कम। सर असिस्टेंट मैनेजर जी ने आपसे साइन करवा कर लेकर आने को बोला है। या। थैंक यू सर। वॉच आउट, संभाल कर बेटी। मैंने कहा था ना इस लड़की पे हाथ डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन यादगिरी, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक बुढ़ी ने हिरण को खाने के लिए उसकी गर्दन को पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद उसने उसको छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो हिरण गर्भ से थी, लेकिन उस बूढ़ी के दिल में जितनी भावना है वो मेरे दिल में नहीं। ये जब पैसे नहीं देगी तो मेरी हो जाएगी, तब तो मैं इसकी कमर क्या, इसको बिस्तर पर पटक कर यही सुहाग रात मनाऊंगा, और तू क्या करेगा वो भी देखूंगा। ए, चलो। पुष्पा, हाँ? उस दिन तुमने मेरी बहन की इज्जत बचा ली, लेकिन कल वो शंकर भरी बाजार में तेरी इज्जत उतारने का प्लान कर रहा है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, सुन, उस बैंक मास्टर को फोन करके पूछ के लोन कब तक दे रहा है। वो तो मैंने पहले ही कर दिया है। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो गाँव में नहीं है। वो गांव में नहीं है? नमस्ते सर। कब आने के लिए बोला था और कब आ रहा है? कब निकला था और अभी जाकर पहुंचा हूं। पीकर आया है क्या? समझ में आ गया क्या? ये होश में रहकर करने वाला काम है, होश खोकर करने वाला नहीं, समझे? आज कितना अकाउंट्स कर पाया? बहुत मेहनत करके बस मैं 6 अकाउंट्स कर पाया सर। सर ये लीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठीक नहीं होगा। नहीं सर, कल मैं पूरा 10 करूंगा। 10 नहीं, मुझे 30 चाहिए। सर वो कुछ ज्यादा हो जाएंगे। गेट आउट। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा। बहुत जोर से थप्पड़ मारा है आपने।
19वां कहां है? वो श्रमा बैंक से अगर नोट छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सोना एक टुकड़ा भी नहीं छूटना चाहिए, पूरा का पूरा लूट लेना, समझे? जी बॉस। लेकिन भाई वो पुलिस रुद्रा की नजर हम पर ही है। अरे वो एक बच्चा है रे, वो हमको क्या पकड़ पाएगा, वो हमारे करीब नहीं फटक सकता। Happy birthday to you. अब देखते हैं ये पहले केक किसे खिलाएगी। मुझे क्या हुआ भाई तुझे? अभी तक तो तू बिल्कुल सही था, ऐसा लग रहा है जैसे मलेरिया हो गया हो तुझे। मलेरिया नहीं भाई, मेरी कल्पना का प्यार है। प्यार? हाँ भाई, कल्पना ने अपने प्यार के बारे में मुंह से बताने के बजाय फर्स्ट केक मुझे खिलाकर कंफर्म कर दिया है भाई। अबे तेरी तो 10,000 की बर्बाद करके फंक्शन किया ना, इसीलिए तेरे मुँह में केक ठूस दिया। अगर तू इसे प्यार समझ रहा है तो समझ ले तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों रे पूर्ण, अगर कंफर्म प्यार करती तो मुंह के पास मुंह लाती ना कि केक ले आती। ए उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है। असल में तू ना मेरी फीलिंग नहीं समझ सकता यार। इसे फीलिंग समझ में नहीं आती है यार, वो फीलिंग इसको अच्छे से समझ में आती है। अच्छा ये बता, बर्थडे तो ग्रैंड कर लिया लेकिन दावत कहाँ पे है? दावत? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ तुझे। मैं अपने दोस्त की बाइक लेके आता हूँ, लड़की को अपने साथ ले चलते हैं और डिंग चिका डिंग करते हैं। हाँ? अपनी मस्ती बंद करो, कॉन्सेंट्रेट करो। पुलिस वाले पता नहीं क्या कहेंगे। ए चिल, जब ये लोग राइडिंग के लिए आए थे तब तो मैं डरा नहीं, ड्राइविंग कर रहा हूँ तो क्यों डरूंगा। सर बुला रहे हैं। किस लिए? क्यों, क्या पूछ रहा है बे? पुलिस से पंगा क्यों लेना, चलो चलते हैं। नमस्ते सर। दंड पानी के दूसरे बैच से हो क्या? नहीं नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दावत के लिए बाहर जा रहे हैं। जी सर। गाड़ी की स्पीड और तेरी आवाज कुछ ज्यादा है। मेरी आवाज ही ऐसी है तो क्या करूं? लाइसेंस और आरसी निकालो। नहीं है सर। शर्ट उतारो और दंड बैठक लगाओ। ये क्या है सर? सर ने कह दिया ना। सर छोड़ दीजिए ना सर। क्या प्लीज? छोड़ दीजिए, जो कहा है वो करोगे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। ज्यादा ड्रामा किया तो स्टेशन ले जाकर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। सर लड़कियों के सामने कपड़े उतरवाएंगे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा सर। ए सुबह उठकर सबसे पहले कौन सा काम करता है? कपड़े उतारता है ना, उतार कपड़े। उतार ले भाई। कहाँ रहते हो तुम लोग? पास में ही पोचम्मी बस्ती में सर। डॉक्यूमेंट्स के बिना इस तरह गाड़ी पे घूमोगे तो यही ट्रीटमेंट मिलेगा, ध्यान रखना। छी, सारा मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं यार, दावत के साथ साथ बियर मारेंगे, मूड ठीक हो जाएगा, चल चलते हैं। सर, सर, तुम बैठे रहिए सर, बैठे रहिए। आपने खाना खा लिया? जब मैं अपनी बीवी के पसंद के गाने सुनता हूँ तो मेरा पेट अपने आप भर जाता है। रुकिए सर एक मिनट। गाने से मन भले ही भर जाए लेकिन पेट नहीं भरता है सर। आपकी परिस्थिति के बारे में मामा जी ने बताया, इसलिए आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे तुम इतना परेशानी क्यों उठा रही हो? श्रमा बैंक में मुझे जॉब दिलाने के लिए पहले ही आपने परेशानी उठाई थी, अब मैं परेशानी क्यों उठा रही हूँ? आप ऐसा मुझसे बिल्कुल भी पूछ नहीं सकते हैं। तनख्वाह दिलाकर जिंदगी देने वाले के लिए चार निवाला बनाकर देने में मुझे क्या परेशानी होगी सर? श्रावणी शांत हो जाओ। सर बुला रहे हैं, चलो बोलिए।
सर मेरा नाम नंदू गोपाल है सर, वेदम पत्रिका में रिपोर्टर हूँ सर। ओके, प्रॉब्लम क्या है? इस महीने के 12 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, लेकिन उस श्रीनगर के शर्मा बैंक की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी सर। शादी और बैंक का क्या संबंध है? सोना सर। हमारी बेटी की शादी के लिए बनवाया हुआ जेवर श्रमा बैंक में हमने गिरवी रखा था सर। लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आया है सर, कर्जा लेकर बनवाया जेवर जब हम बैंक से छुड़ाने गए तो। इस जेवर को लेकर जब हम सोनार की दुकान पे गए तो उसने कहा कि ये ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, 1 ग्राम का सोना है सर। ये कौन सा बैंक बताया? श्रीनगर कॉलोनी श्रमा बैंक। प्रताप। आ रहा हूं सर। आपने बैंक में नहीं पूछा इस बारे में? पूछने गया था सर, बहुत ही बदतमीजी से बात की उन्होंने। 1 ग्राम सोना कैसे हुआ पूछा तो उन्होंने पीछा छुड़ाने की कोशिश की सर। अच्छा, ऐसा एक और कंप्लेंट आया था ना अपने पास? हाँ सर, सेम बैंक सेम ब्रांच। कुछ दिनों तक हमारे बैंक में गिरवी पड़ा था, उसको छुड़ाकर 1 महीने हो गए। आपको यहाँ से ले जाने से पहले चेक करके ले जाना चाहिए था। बैंक और बैंक के स्टाफ को ब्लेम करना चाहते हो क्या? क्या हुआ उस कंप्लेंट का? मैं जब गया था तो बैंक मैनेजर नहीं था, वो काम मैंने अपने लोगों को दे दिया है सर। उस बैंक में कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है सर, अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो हम जैसे कई लोग उसका शिकार हो जाएंगे सर। दिखाइए मुझे। प्रताप सर, जाओ इनका कंप्लेंट लिख लो। आइए श्रावणी, चलो। क्यों सर, यहाँ कैसे आना हुआ? रविशंकर, अगर ये नाम सोसाइटी में सुनाई दिया तो स्टेटस बढ़ेगा, स्टेशन में सुनाई दिया तो देखो इस तरह से आना पड़ता है। आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीजिए। तुम्हारे बैंक में अगर सोना गिरवी रखते हैं तो वही सोना लौटाते समय 1 ग्राम कम हो जाता है, इन्होंने कंप्लेंट किया है। लगता है उनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, आसानी से पैसा कमा सके इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ पर सर इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारे कहने से मान लेंगे क्या? बैंक से छुड़ाने के बाद 6 महीने बीतने के बाद आकर कहते हैं कि ये मेरा सोना नहीं है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो ये आपकी मर्जी सर, वो लोग करेक्ट नहीं है। कौन करेक्ट है और कौन करप्ट है मैं पता लगाऊंगा, कॉल आए तो चुपचाप स्टेशन आ जाना। जाने मन। बोलो। ऐसे गुस्से से मत देखो जाने मन, एक बात बताऊं तुम्हें, जिस एज में तुम हो ना उस एज में शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आज का दिन बहुत ही अच्छा है। किस लिए? तुम्हारी मैयत के लिए क्या? नहीं, होने वाले पति से ऐसे बात करते हैं क्या? चलो माफी मांगो। यही इसलिए मना करती हूँ, तुम अच्छे फ्रेंड हो मेरे और कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी, बस इतना ही। और आज मैं तुम्हें यह मंगलसूत्र पहना के रहूंगा। ए, जा यहाँ से। यही चाहिए ना तुझे, यही सब चाहिए ना, इसलिए मेरे पीछे पड़ा है ना तू। चीची मैं कसम खाता हूँ जाने मन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रहने दे, सुबह मंगलसूत्र लेकर तू और रात को तेरा वो बेवड़ा चाचा। एक बार ए बदतमीज कही के, सोचा था तेरे बगल में सोंगी तो पिता जैसी छत्र छाया और हिम्मत मिलेगी, लेकिन तू जहाँ मन कर रहा है वहाँ हाथ लगा रहे, गंदगी भरी है तेरे दिमाग में। थू पति क्या सिर्फ पत्नी का ही नहीं, माँ का, बहन का और बेटी का भी होता है। हा? दोबारा हाथ लगाया तो भूल जाऊंगी कि तुम मेरे चाचा हो, समझे? चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगी। उसे तो मैं जान से मार दूंगा। उसको मार देगा तो तुझसे शादी कर लूंगी, सोच रहा है? मैं मानता हूँ कि मैं गंदी फिल्मों में काम करता हूँ, लेकिन अपने चाचा की तरह गंदा नहीं हूँ।
तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं मैं। तो फिर बेकार के काम छोड़ दे। छोड़ दूंगा जानेमन, आज से वो सारे काम छोड़ दूंगा। दुनिया में तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तेरे साथ मैं फूल बेचूंगा, लोगों की चप्पल सिलूंगा। आज देवी माँ के सामने मैं तुझसे ये वादा करता हूँ। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, ये सभी श्रमा बैंक में सोना गिरवी रखकर धोखा खा चुके हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या हुआ है। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल के खर्चे के लिए मैंने श्रमा बैंक में अपना सारा सोना गिरवी रखा था। और कुछ दिन ही पहले मैंने उस सोने को सारा पैसा देकर छुड़ाया था और बाद में पता चला कि वो सोना केवल 1 ग्राम का है। वो मेन कैमरा प्ले कर। हाँ, बड़ा। नेक्स्ट कैम दिखा। हाँ यही। जूम इन, जूम इन, जूम कर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जूम जूम कर। यस, मिल ही गया ये। सर, ये तो बलवीर के लोग हैं सर। यस यू आर राइट, इनको पकड़ेंगे तो क्लू मिल जाएगा। सर, अभी जो इतनी सारी कंप्लेन मिली हैं, वो असली सोने के बदले में 1 ग्राम गोल्ड रिप्लेस किया है, यही है ना? हाँ, तो फ्रॉड हुआ है बैंक के एम्प्लॉय के थ्रू और अकाउंट्स के थ्रू। इसमें बलवीर के लोगों का क्या हाथ हो सकता है जो आप उनके पीछे पड़े हुए हैं? सत्यम, तुम्हें एक कविता सुनाता हूँ। माचिस की तीली, साबुन और लड़की। कविता सब लोग नहीं समझ सकते हैं। समझ में आई क्या? आंसर भी समझ में आ गया सर। इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी काबिल नहीं होते हैं। गुड साहब, साहब, आप कुछ कीजिए ना सर। देखिए ना क्या हो रहा है हम लोग। मैंने कहा ना जाइए, प्लीज कुछ करिए। अरे जाइए ना यहाँ से। देखिए ना सर, कहा ना मैंने जाइए। ठीक है सर, हम चलते हैं। क्या कह रहे थे सर? वो रोज रोज श्रमा बैंक की तादाद बढ़ती ही जा रही है सर। ए रविशंकर, बाहर आ, अंदर क्यों बैठा है? लड़कियों की तरह अंदर छिप कर बैठा है। बाहर निकल, निकल बाहर, जल्दी आ। श्रमा भाई, श्रमा भाई, श्रमा भाई, श्रमा भाई, कहीं के हमारा सोना लूट कर अपनी बीवियों को दे देते हो क्या? बाहर आओ। रविशंकर की किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने की वजह से लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि हालात अभी खराब है। श्रमा बैंक एक भरोसा है और एक सुरक्षा है, लेकिन अभी उस शब्द का अर्थ बदल गया है। श्रमा बैंक से धोखा खाने वालों की संख्या 1-2 से शुरू होकर उसकी तादाद 100,000 पार कर चुकी है। इतना सब होने के बाद भी मिनिस्टर खामोश है, मामला बिगड़ता जा रहा है। ये क्या है? उन्होंने सोना रखा और वो चोरी हो गया। इनको कोई और नहीं मिला तो मुझ पर फोकस कर दिया इन टीवी वालों ने। डीजीपी को फोन कर बात करनी है। नकली सोना है, कस्टमर की नींद उड़ाने वाली श्रमा बैंक। अब तक पकड़े नहीं गए चोर। नकली सोना पक्का व्यवहार। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि ओरिजिनल गोल्ड है या सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड है। कई तरह के स्कैम्स होने के बाद अब ये गोल्ड स्कैम हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं, हमें सबूत मिला है। हेलो डीजीपी, टीवी में उस बैंक वालों को देख रहे हो ना? हाँ सर। ये सब क्या हो रहा है, कुछ पता लगाया? वो बैंक के किसी एम्प्लॉय का किया हुआ है सर। उससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी करना है जल्दी करो, उनको बाहर निकालो और जेल में डालो, नहीं तो मेरे बाल नोचेंगे ये लोग। मैं तुरंत स्पेशल ऑफिसर देवराज को वहाँ भेजता हूँ सर। नमस्ते सर। कहाँ हो देवराज? आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है सर। इस वक्त तुम कहाँ हो ये पूछ रहा हूँ, अभी तो तुम फ्री हो ना? वो मेरी बीवी के लिए एक नेकलेस खरीदने जा रहा हूँ सर। श्रीनगर कॉलोनी के श्रमा बैंक में स्कैम हुआ है, मिनिस्टर का फोन आया था, जल्दी आकर तुम काम संभालो। ओके सर। आमतौर पर बैंक में सोना गिरवी रखने वाले मिडिल क्लास के लोग ही होते हैं। मेहनत मजदूरी से कमाए हुए सोने को बैंक में रखने के बाद जब आप उसे निकालते हैं और वो 1 ग्राम हो जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप सोच सकते हैं, चोर अभी तक पकड़े नहीं गए। ए, हाँ? दारू के लिए पैसा नहीं होता तो सोना गिरवी रखता, लेकिन ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट समझ में नहीं आ रहा है। तू रुक भाई, मुझे भी वही टेंशन है। अरे सुनो भाभी, श्रमा बैंक में आपने भी सोना रखा था क्या? क्यों, मेरा पति मर गया है क्या जो मैं सोना गिरवी रखूं? तो फिर आप तो बहुत खुश नसीब हो। अच्छी बात कही तुमने। अरे भैया, अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी, क्यों गए थे हम वहाँ सोना गिरवी रखने? ये जो रोते हुए जा रही है, ये हमारी टेलर आंटी है ना? हाँ भाई, टेलर आंटी है।
लगता है अंकल निकल लिए। ये ए, तू ऐसे ही पूछ रहा है कि काम की नियत से पूछ रहा है? आके चली जाएगी, काम की ही नियत से पूछ रहा हूँ। ए यादगिरी। सॉरी जानेमन, सॉरी सॉरी सॉरी। अबे पागल, अंकल मरे नहीं है, वो तो एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फिर रो क्यों रही है वो? पता नहीं, अब तक तो छुपाने वाले अलग थे और लूटने वाले अलग थे, अभी तो छुपा कर रखने वाले लूट रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया चाचा। वो शर्मा बैंक वालों ने उनके बैंक में जिसने भी सोना रखा वो सब बदल दिया। मतलब ये बैंक वाले कस्टमर के साथ चोरी के साथ साथ अन्याय भी कर रहे हैं। अगर ऐसे हमको बैंक लूटने का मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर एक बैंक लूट ली तो काफी है, बियर और बिक्री के साथ मस्त एंजॉय कर सकते हैं यार। ए, अरे क्या रे, ये तू क्या बकवास किए जा रहा है? जान का खतरा है। ए, तू भी बहुत डेवलप हो गया। फ्रॉम रीजनल ऑफिस, 5 मिनट के अंदर हमें पिछले 6 महीने से संबंधित जितना भी डेटा है वो हमारे सामने रख दो। नंबर और फेक अकाउंट क्रिएट किए गए हैं, सारा हिसाब गलत लिखा है। इसमें मैनेजर रविशंकर के साथ असिस्टेंट मैनेजर प्रमिला, गोल्ड अप्रेजल नायडू, इन सब का हाथ है, ये कंफर्म है। रुद्रा सर, तीनों को अपनी कस्टडी में ले लो। इनका ही काम बढ़िया है यार। इनका बढ़िया है, पकड़े गए ना, अब जाके इनको पता चलेगा। हाँ, इन लोगों के लिए तो सब मामूली है, जिनको पैसे पहुँचने होंगे उनको तो पहुँच गए होंगे, ये सब वीआईपी चोर हैं। तुम कहोगे मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहूँगा तुम्हें सब पता है, इस तरह से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसने कुछ बताया क्या? इतना ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं बोला। इसका मुंह तो मैं खुलवाऊंगा, तुम सब बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दो, जाओ। सर। उन्होंने इतनी बार पूछा फिर भी मैंने सच नहीं बताया, तुम मुझे यहां से बाहर निकालोगे इस बात का भरोसा है मुझे देवराज? उस भरोसे की एक्सपायरी डेट कल तक ही है, समझ गए तुम? हैप्पी जर्नी। गोल्ड अप्रेजल नायडू, असिस्टेंट मैनेजर प्रमिला, मैनेजर रविशंकर से हाथ मिलाकर यह अपराध किया गया था, ये कहकर उन्होंने पुलिस को सरेंडर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रविशंकर ने पुलिस के रिवॉल्वर से अपने आप को मार लिया, इससे उनका शक और भी गहरा हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट इस सोने के स्कैम को कैसे सुलझाएगा, इस बात का सस्पेंस बना हुआ है। What is this, sir? You are suspended for 6 months. पर मुझे सस्पेंड क्यों कर रहे हैं सर? शमा बैंक के मैनेजर रविशंकर के मरने की वजह से। लेकिन सर, उसने तो खुद सुसाइड कर लिया था। तुम्हारे रिवॉल्वर से उसने खुद को गोली मार ली, उसकी जान जाने की वजह तुम्हारी लापरवाही है। नहीं सर, no more explanations. सर, आउट। पवित्रा मैडम, खाइए ना। क्यों पवित्रा जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कस्टमर्स ने एक विश्वास के साथ अपनी संपत्ति हमारे हवाले की थी, तो उसे कोई कैसे चोरी कर सकता है? इतना पढ़ने लिखने और मेहनत करके बैंक में नौकरी हासिल की थी, ये नीच काम करने के लिए नहीं की थी। फिर हम में और चेन स्नैचर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। सही काम करने का मतलब करेक्ट टाइम पर आकर काम करना नहीं होता, जो काम करते हैं वो करेक्ट होना चाहिए।
जल्दी निकलो, गोली मारेंगे। Hands up, don't hands up. अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अरे ओ बदमाश का बच्चा बलवीर, साहब मत मारो साहब, और मारोगे तो मर जाऊंगा साहब। फिर सच बोल बलवीर, बोल। माँ की कसम साहब, 1 ग्राम गोल्ड और हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। हाँ साहब। हाँ सर। अगर कोई लेना देना नहीं है तो तेरे आदमी श्रमा बैंक में ही क्यों घूम रहे थे, किसी दूसरे बैंक में क्यों नहीं, बोल बे। सिटी में सबसे ज्यादा कस्टमर्स उसी बैंक में हैं, ये हमने पता लगाया। अगर हमने उस बैंक को लूट लिया तो हम सेटल हो सकते हैं, इसलिए हमने उस बैंक की रेकी की। हमने डेट भी फिक्स कर दी थी साहब, लेकिन इससे पहले ही बैंक वालों ने ही हमारा काम कर दिया साहब। तूने नहीं किया तो फिर किसने किया रे? सर नमस्ते। नमस्ते। बैठ जाऊं क्या? बैठो। इतनी हड़बड़ी में क्यों आए हो? आपको अब तक जो पता चला वो अलग है, और जो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ कुछ और ही हो रहा है सर। तू रिपोर्टर है या राइटर? पुलिस वाले के भी समझ में नहीं आ रही है तेरी बात। एक बार इस कवर में जो सच्चाई है, इस पेन ड्राइव में जो धोखा है, उसे देखिए सर। असली जानवर और उनके निकले हुए जेवर और उस जेवर की डिटेल्स इस पेन ड्राइव में है सर। एक तोला या दो तोला नहीं है सर, लगभग 200 केजी सोना है सर। वो 99 करोड़ का सोना है। किसके बाप की संपत्ति समझकर चोरी करते हैं ये लोग? प्रताप सर, युद्ध के लिए निकलना है, सैनिकों को तैयार करो। ओके सर। सामने आ रहा है हमारा स्टार। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब हमारे स्टार यादगिरी और उनकी गैंग ट्रांसजेंडर को जो तकलीफ है उसके लिए वो सब मिलकर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Thank you.
अरे अरे ये क्या रही? पुलिस पुलिस क्या कर रही? ये क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? अरे यादगिरी, बहुत अच्छा नाटक कर रहा तू। ये सब क्या है सर? उस दिन रोड पे बेइज्जती की वो कम नहीं थी क्या सर, जो आज यहाँ स्टेज पे चले आए? इतना बड़ा कांड करके मासूम बन रहा है? मुझे उसी दिन डाउट हो गया था तुम लोगों पर। सर इज्जत से बात करिए, हमने किया ही क्या है? इतना बड़ा कांड किया, तुम्हें क्या लगा था कि हमें पता नहीं चलेगा? ये क्या हो रहा है सर, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सर? एक बार स्टेशन ले जाके धोएंगे ना, सब पता चल जाएगा तुझे। सत्यम लेके चल यहाँ से। ये पुलिस वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। निकलो यहाँ से। अरे रुको, इधर जाओ, आओ मेरे साथ, ठीक है? रुक जा। तुम लोग पुलिस वालों को ये धमकी दे रहे थे हाँ? अब यहाँ से कहाँ जाएगा भाग के? डरो मत कल्पना। चलो चलो जल्दी जल्दी निकलो निकलो जल्दी निकलो जल्दी। ए रुक जा, रुकेगा या गोली चला दूं? चलो जल्दी निकलो यहां से। उसने चिल्लर वीडियो भले ही बनाए हो पर वो किसी की चोरी नहीं कर सकता। ये पुलिस वाले उसके पीछे क्यों पड़े हैं? पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे। है? किसे पता वो क्या करेंगे, सब आपको बताकर ही करेंगे। आजकल के बच्चे घर में अलग और बाहर कुछ अलग काम करते हैं। हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हाँ वो कैसा है, तुम ही उसका सर्टिफिकेट दे दो। वो यादगिरी मेरी भतीजे के पीछे पड़ा हुआ था, कल्पना के पीछे पड़ा था, इसके अलावा उसने अपना कर्जा मेरे सर पर डाल दिया है, इसीलिए उन लोगों ने ये काम किया होगा शायद, किसे पता। हम कोई बंदूक पकड़े हुए मुजरिम है क्या, या फिर कोई टेररिस्ट है, या फिर हम चंबल के डाकू है? उन पुलिस वालों ने हमें चोरों की तरह दौड़ाया। इतने दिनों तक हम ख्वाहिशों के पीछे भागे और आज जिंदगी बचाने के लिए भागे। उस दिन पुलिस वालों ने हमारे कपड़े उतार के बेइज्जती की, आज दौड़ा दौड़ा के हम में से एक की जान ले ली। ये रुकने वाली दौड़ नहीं लग रही है, ये हमारी जिंदगी की आखिरी दौड़ है। हे भगवान, मेरी देवी को तुमने मुझसे छीन लिया ना, उसने क्या पाप किया था। भाई कल्पना, मेरी कल्पना,
उस पुलिस वाले ने मेरी कल्पना को मार दिया। मैं उसे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बेवजह आपने एक मासूम को मार दिया सर। मासूम नहीं थी, अपराधी थी वो। हमारे बच्चों ने कोई गलती नहीं की सर, आप उन पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। वो लोग गूंगे नहीं हैं, उन लोगों को भी बोलना आता था ना, तो बोला क्यों नहीं उन्होंने? तुम्हारे मासूम बच्चों ने बैंक में जो किया है वो अच्छा काम है क्या? उन पांचों ने मिलकर 33 फेक अकाउंट्स बनाए, पूरे 99 करोड़ का सोना चुराया। अपने बच्चों को बोलो सरेंडर कर दें तो बच जाएंगे, वरना ऐसे ही बलि चढ़ेगी उनकी भी। किसी को आखिरी बार देखना है इसे? क्यों सत्यम सर, इन्हें आखिरी बार देखने वाले आए नहीं क्या? आसपास हर जगह पर छान लिया लेकिन कोई नहीं मिला। तो मैं अपना काम शुरू करूं? किसी के लिए कुछ भी रुकेगा नहीं, आप अपना काम कीजिए और कानून अपना काम करेगा। भगवान, कल्पना नहीं आई यार। श्रीनगर कॉलोनी के श्रमा बैंक का स्कैम अभी तक लोग भूले भी नहीं थे कि उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में 99 करोड़ का स्कैम का मामला सामने आया है। इस स्कैम के सभी आरोपी उचम्मा बस्ती के रहने वाले हैं। यादगिरी, सेंदिल, पुष्पा, पूर्णा और कल्पना, ये पांचों ही बहुत बड़े धोखेबाज हैं। 33 फेक अकाउंट ओपन करके 99 करोड़ की अहमियत रखने वाले सोना लूटकर उसकी जगह पर नकली सोना रखकर बैंक को लूट लिया। पुलिस जब आरोपियों का पीछा कर रहे थे तो ट्रांसजेंडर कल्पना की मौत हो गई और बाकी आरोपी अभी तक फरार हैं, ऐसा सीआई रुद्रा का कहना है। ए, देख रहा है ना, अगर हम लोग मेहनत करने के बजाय अगर धोखाधड़ी करके जिएंगे तो ऐसा ही होगा। अपने शरीर पर किसी को उंगली नहीं रखने देती वो फूल वाली, अपने शरीर को गिरवी रखने की हिम्मत कैसे कर दी उसने, मुझे अब समझ में आया। सोचा था पैसे नहीं दे पाने की सूरत में बिस्तर पर मुझे सुख देगी वो, पैसे भी गए और वो भी गई। हे दुर्गा भाई, उन पुलिस वालों से पहले हमें उसको पकड़ना होगा, जाके ढूंढो। ठीक है भाई। एक छोटा सा गिफ्ट है। गिफ्ट कैसा लगा तुमने बताया नहीं? बहुत खूबसूरत है ये, बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह। जो गोल्ड स्कैम हुआ है, गोल्ड अप्रेजल का भाग ज्यादा सुनाई दे रहा है। असल में गोल्ड अप्रेजल को मौका मिलता है क्या? बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और अप्रेजल ने अगर हाथ मिला लिया तो जो करेक्ट होता है वो करप्ट बन जाता है। चारी जी, आप बताइए, वो 1 ग्राम गोल्ड वही रोल गोल्ड में किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं? लोग अपना मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, कॉपर, स्टरलाइजर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऐसी चीजों पर गोल्ड मटेरियल इस्तेमाल करके बाल छोड़ देते हैं। ऐसे मामले में शिकार नहीं होने के लिए जनता को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? लोन देते वक्त जनरली सोने को अलग अलग तरीके से चेक किए बिना नहीं देते, इसीलिए जनता बैंक ब्रोकर से या बोन ब्रोकर के पास से सोना छुड़ाने के समय उनको चेक करके ही उन्हें देना चाहिए। गवर्नमेंट्स के रूल्स को पास करना चाहिए, तब तक हम ऐसे अपराध को नहीं रोक सकते।
तारा। सर। अगर उस बस्ती गैंग को पकड़ नहीं पाए तो डिपार्टमेंट मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेगा। सर वो कोई नहीं, बोलो, ये हमारे बीच की बात है। सर, तुम्हारे ऊपर किसी प्रेशर के बिना पूरा पावर दे रहा हूँ। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। सोना बॉर्डर पार नहीं होना चाहिए, वस्ती गैंग बच के नहीं निकलना चाहिए। ओके सर, फुल पावर दिया है मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी बढ़ गई है। कार्तिक, गाड़ी को श्रमा बैंक में लेकर चलो। हम आपको बता दें कि गोल्ड अप्रेजल पवित्रा और असिस्टेंट मैनेजर शशि जब पकड़े जाएंगे तो असलियत का पता चलेगा, ऐसा डीजीपी का कहना है। पुलिस के गिरफ्त में है अमीरपेट श्रमा बैंक के मैनेजर कृष्णमूर्ति। श्रमा बैंक, अच्छा नाम हुआ करता था, मिट्टी में मिल गया। अब आपका नाम बदलने वाला है कृष्णमूर्ति जी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब बार बार एक ही बात मत दोहराइए, अभी बहुत से लोगों को जवाब देना है आपको। जब गंगा आरती के लिए जाते हैं तब साधारण लाइन और वीआईपी लाइन का इंतजाम करते हैं, लेकिन डूबते सभी उसी पानी में ही है। मतलब उस पानी की तरह मेरा भी जवाब है। आप मुझसे अकेले पूछो या सबके सामने पूछो, मेरा जवाब एक ही। अच्छा, तो आपने गलती नहीं की है, पर बैंक में जितनी भी गलती हुई है हर एक पे आपका साइन है। पोचम्मा बस्ती, वहां के 5 आवारा लोग, 33 फेक अकाउंट्स, 99 करोड़ का सोना, ये सब आपकी बिना जानकारी के हो गया। सोना लूटने के लिए अगर दस्तखत किया है तो गलत है। वो ऐसा काम क्यों करेंगे अगर इस भरोसे से दस्तखत किया है तो, वो गलतफहमी है। असिस्टेंट मैनेजर का एड्रेस नहीं है, गोल्ड अप्रेजल का एड्रेस नहीं है, पवित्रा को मिलवाने वाला पुजारी एब्सकॉन्डिंग है, मैं क्या करूं? वो अगर आपको मिल गए तो सच का पता चल ही जाएगा, मुझे इस तरह परेशान करने से क्या। मैं भरोसा करके धोखा खाने वालों में से एक हूं, पर भरोसा देकर धोखा देने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं। भरोसा करना अगर आपके कानून में लिखा है कि गुनाह है तो मुझे आप अरेस्ट कर लो या फिर मुझे घर जाने दीजिए। भिजवा दूंगा सर, जितनी इज्जत से आपको लाया हूं उतनी ही इज्जत से, लेकिन ये इज्जत आपके कॉपरेट करने तक ही रहेगी, नहीं तो सिचुएशन अलग होगी। किरण सर, मूर्ति साहब के घर के बाहर 2 कांस्टेबल को तैनात कर दो, कोई घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और कोई अंदर भी नहीं आना चाहिए। जो मिलने आता है उसको पकड़ो, फिर देखते हैं मूर्ति जी की कहानी क्या है। गोल्ड अप्रेजल असिस्टेंट मैनेजर पर भरोसा करके मैंने धोखा खाया है, पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, ऐसा कहने वाले अमीरपेट श्रमा बैंक के मैनेजर कृष्णमूर्ति हैं। लेकिन उनका जवाब सुनकर ना खुश है पुलिस वाले। पूरे 2 करोड़ का सोना गायब होने वाले इस कैंप में मैनेजर कृष्णमूर्ति धोखा देने वाले हैं या खाने वाले, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। इस गोल्ड स्कैम ने सभी लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। ये चोर लोग तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं और हमारी जिंदगी नरक बना के रख दी है। हमारे नाम से 33 खाते खोले गए, बैंक को धोखा देकर के 99 करोड़ का सोना लूट लिया गया, ये सब कैसे हो सकता है? सोना चुराने वाले की हमने कोई मदद नहीं की, पर उस अपराध को आगे बढ़ाने के लिए दस्तखत हमने किए। मेरा नाम भास्कर है, मुझे सभी लोग इज्जत से मुसीबत से निकालने वाला कहते हैं। हाँ यार यादगिरी, ये सब उस भास्कर का ही काम है। ए बदमाश भास्कर, कहाँ है तू? सीधा साधा जीवन बिताने वाले बस्ती के बच्चों ने इतना बड़ा स्कैम करके पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आजाद घूम रहे हैं, और डिपार्टमेंट को जिस पर शक है उन लोगों के अलावा क्या इसके पीछे कोई बड़ी हस्ती है, ऐसा लोगों के मन में सवाल है। आइए हम लोगों की राय जानते हैं। Huh?
इतना स्ट्रॉन्ग क्या पी रहा है भाई? हे, कौन हो तुम लोग? हम लोग कौन है? मुसीबत में फंसे लोगों को लोन दिलाकर के आप उनकी जिंदगियां बचाते हैं, ऐसा हमने सुना है आपके बारे में, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। श्रमा बैंक, इसमें आपकी बहुत पहचान है ना, किसी तरह से हमें भी लोन दिला दीजिए ना सर। आप हमें भगवान नजर आ रहे हैं, हमारी मदद कीजिए ना भैया। अबे कमीने, तूने हमें बेवजह फंसा दिया है ना। ए, इज्जत से मेरे घर से बाहर निकल जाओ, आखिर तुम लोग हो कौन? मैं तेरा पहला पति हूँ और ये दूसरा पति है और ये तीसरा पति है। हम तेरे साथ यहाँ घर बसाने आए हैं पगले। वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है सुहागरात के बाद कोई नई नवेली दुल्हन सो के उठ रही हो। ए धोखेबाज, अब तो हम तुम्हें याद आ गए ना, फिर से पूछेगा कि हम कौन है? मुसीबत में तुमने हमारी मदद की हमने ऐसा सोचा था, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए तुमने हमारा इस्तेमाल किया ये समझ नहीं पाए। तुमने जो किया उसकी वजह से मेरी कल्पना चली गई। जब तक ये हमें सच नहीं बताएगा हम इसे जिंदा रखना होगा। हमारे नाम से फेक अकाउंट बना करके तुम लोगों ने करोड़ों की लूट कैसे की? और कितने लोग हैं तेरे साथ? मुझे बताओ हमें। मैं कुछ नहीं जानता, नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बात मानो। नहीं आता रहा है, सच बताता या नहीं? बोल नहीं तो मार दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, जल्दी। नहीं जानता, नहीं आता, नहीं तो जान से मार दूंगा। बताता हूँ। चल इसकी बात रिकॉर्ड कर। ठीक है भाई, बताओ, बता ना। इसके पीछे जिसका हाथ है वो है। सत्यम, इन लोगों को मारने से सच्चाई बाहर नहीं आएगी, बाहर वाला मार खाएगा तब आएगी। हमारे हाथ से डंडा टूटेगा तब नहीं, उनके हाथ पैर टूटेंगे तब बाहर आएगी सच्चाई। जब तक सच नहीं बोलोगे मार खाते रहोगे, बोलो। किसी ने कुछ बताया क्या सर? ये लोग मार खाने के बाद भी बोल नहीं रहे सर। सुनाओ ने सर, चल बता तेरा भाई कहाँ है? कहाँ है वो? सच में नहीं पता। चल जा। फोन करने वाले अब तक आए नहीं हैं, हम भी चलते हैं। नहीं पुष्पा, यादगिरी जब तक वापस नहीं आता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। Thank you.
भाई, इसको क्या हो गया? भाई, जिसने इसको गोली मारी उसने ही कुछ किया होगा। भाई पहले अपने फोन को ढूंढते हैं, चलो। ये क्या होगा? हे संदिल, ये देख यहाँ पे। कहाँ है? हे, इसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। ये भाई, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। चलो 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 यहाँ से। यादगिरी, क्या हुआ यादगिरी? कोई पीछा कर रहा है क्या? कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा। तो फिर वो फोन मिला क्या? हाँ, देवी माँ की कृपा से हमें वो फोन मिल गया। आखिर वहाँ कौन आया होगा? हे, भास्कर की गवाही रिकॉर्ड करने के लिए हमने वीडियो ऑन किया था ना। जब हम वहाँ पहुँचे तब भी वीडियो ऑन था। इसमें जरूर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। देखते हैं। हाँ देखते हैं। आपने बाप रे, इसने भास्कर को क्यों मार दिया? शायद उस टोल प्लाजा के फुटेज से कुछ पता चले। नमस्ते सर, चाय लीजिए। शागर नगर में एक टीम भेज दो। सर आप भी लीजिए। ये लीजिए सर। हे, क्या ये? बाहर किसी ने आपको देने के लिए कहा है सर। किसने? हमें क्या पता सर। सर चलता हूँ। किसने भेजा ये? किराने की पोटली की तरह है। मेमोरी कार्ड। हमारा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए वो मेमोरी कार्ड उस सीआई रुद्र को भेज दिया है। उससे भला हमारा क्या फायदा होगा? हमारा उस अपराध से कोई संबंध नहीं है। ऐसा एक वीडियो भिजवा दिया होता तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाते ना। हाँ भाई, ये तो सही है। सब कैसे सही हो सकता है? उस वीडियो में भास्कर ने अपना सच नहीं बताया है, बल्कि उसमें भास्कर की मौत का वीडियो है। उससे भला हमें क्या फायदा होने वाला है? इसका सिर्फ वो पुलिस वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तब तक हमारे लिए तड़ी पार रहना ही अच्छा है। सर पुलिस। वाह 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 वाह, क्या सेटअप है सर। हम लोगों ने जितना सोचा था उससे ज्यादा एंजॉय कर रहा है। करेगा सर। ही मैं सस्पेंड हुआ हूँ इसलिए। बहुत उछल रहा है प्रताप। मैं इसलिए नहीं उछल रहा हूँ कि मेन बॉस ने आपको सस्पेंड कर दिया है सर। मेरे बॉस आपको सीधा कर देंगे इसलिए। अगर ऐसे पहेलियों में बात करेगा तो क्या समझ में आएगा प्रताप? हमारे पास जो फिल्म है दिखाएंगे तो सब समझ में आएगा। सर, बेवड़े कहीं के, मेरे आने में अगर एक सेकंड लेट हुआ होता मेरा नाम बता दिया होता तूने। ऐसी कोई परेशानी ना आए इसलिए उस दिन कस्टडी में रविशंकर का मर्डर करके सुसाइड सीन क्रिएट कर दिया था मैंने। मेरा एक काम करेगा? करूंगा सर। रविशंकर से कहना कि मैंने उसे याद किया। देवराज, ये सब तूने किस लिए किया नहीं पूछूंगा मैं। ये सब कौन चला रहा है तू बस मुझे इतना बता दे। कृष्णमूर्ति, अगर वो पकड़े जाएंगे तो आपको सच का पता चल जाएगा, इसलिए मुझे परेशान मत करो। मैं भरोसा करके धोखा खाने वालों में से एक हूं, पर भरोसा देकर धोखा देने वालों में से बिल्कुल नहीं।
कृष्णमूर्ति, तुम जो गाना सुन रहे हो है तो बहुत अच्छा, लेकिन तुम पर सूट नहीं करता। सब पता लगा लिया कृष्णमूर्ति, इस नाटक के असली खिलाड़ी तुम ही हो। ये लो सबूत। देवराज ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक सीआई रुद्रा कृष्णमूर्ति को अरेस्ट करने गए। उससे पहले ही कृष्णमूर्ति की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। डिपार्टमेंट के लिए ये स्कैम फिर से एक सवाल बनकर रह गया है। डिपार्टमेंट का अनुमान है कि इस हत्या में बस्ती गैंग का हाथ है। सर क्या है? वो बस्ती गैंग शमशाबाद से जक्चर जाने वाली तुंडपल्ली एरिया में है, ऐसा पता चला है सर। चलो सर। ऊपर करो साहब। सर मत मारिए। बैठिए कि नहीं, बैठ बैठ कह रही हूँ, बैठ जाओ। सर प्लीज मत मारिए। रुक जाओ प्रताप, बोलने का मौका तो दो। चेहरे पे रंग लगाने से शरीफ इंसान बन जाओगे क्या? बस्ती में चलेगा ये सब, रुद्रा के पुलिस स्टेशन में नहीं। सारे सोने का क्या किया? कहां छुपा कर रखा है बताओ? हमारे देश को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन हमारी बस्ती वालों को जब पैसे मिलते हैं तब स्वतंत्रता मिलती है, तो भला ऐसे में हम ये सब कैसे कर सकते हैं सर? हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसों के लिए हम ये नहीं कर सकते हैं सर। हमारा भरोसा करिए सर, भरोसा करिए। मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं करूंगा, बस 3 काउंट करूंगा। अगर सच नहीं बताए तो उस कल्पना के बगल में तेरी भी चीता सज जाएगी। 3, 2, 1। यादगिरी, यादगिरी, क्या हुआ जानेमन? हमको पुलिस ने पकड़ लिया और उन्होंने तुम्हें मार दिया, ऐसा सपना आया मुझे। सपना ही था ना? अगर हम पुलिस के हाथ लग गए तो मेरा सपना सच हो जाएगा। अगर असली चोर मिल गया तो हम बच सकते हैं, और नहीं तो हम ही चोर है इस इल्जाम में हमेशा के लिए अंदर हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा जानेमन, हिम्मत रखो। अभी तक ये अंजी क्यों नहीं आया? ऐसे क्यों बैठे हो जैसे किसी लाश के सामने बैठे हो? किसी को भूख नहीं लग रही है क्या? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है भाई। जब तक मैं ना बोलूं कोई फायरिंग नहीं करेगा। श्योर सर। तुम उस तरफ से कवर करो। अबे बस्ती के बाद जल्दी जल्दी चलते आ जाओ। फिर से बच के निकल गए ये लोग। जल्दी करो, इस तरफ जल्दी आओ। पुलिस वाले हमारे पीछे दोबारा से लग गए हैं।
वैसे उनको हमारे बारे में पता कैसे चला? जरा भी देर हो जाती तो हम पकड़े जाते। तुम लोग जो कभी पेपर नहीं पढ़ते थे आज पेपर में आ गए। हमारी बस्ती को कोई नहीं जानता था, उसे पब्लिसिटी मिल गई। ये लो देख लो। इस बैंक मैनेजर को क्यों मारा गया है? किसने मारा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पुलिस और बस्ती वालों को तुम लोगों पर ही शक है। जिस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं, उस मामले में हमारा नाम खराब कर रहे हैं। हम बाहर हैं इसलिए इतनी कहानियां बन रही हैं। कहीं अगर हम पकड़े गए तो ये लोग हमें मार डालेंगे। अगर इस पवित्रा को पकड़ कर चार लगाएंगे तो सच बाहर आ जाएगा और हम भी बच जाएंगे। ये लड़की इस वक्त कहाँ होगी, ये कैसे पता चलेगा भाई? एक बार पेपर दिखा। हे, मैंने इसको देखा है। जब मैं पेंटिंग का काम किया करता था तब मुझे ये दिखाई देती थी। टाइम पास के लिए मैं इसको फॉलो करता था। कुछ दिनों के बाद मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया था। मेरी तो कोई लवर नहीं है, अगर लवर होगी तो अच्छा रहेगा सोचा था। प्रपोज करने के लिए मैंने दो बार ट्राई भी किया था। इसकी माँ का पवित्र दिखाई देने वाली ये पवित्रा इतनी बड़ी खिलाड़ी होगी मैंने सोचा नहीं था। इसका घर कहाँ है? चल 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 संभाल के आ जाओ। उठ भाई, उठ जा, उठ आराम से। कोई भी सबूत मत छोड़ना, सब लोग एक एक कमरे को छान मारो, जाओ। सिंदिल, कुछ मिला क्या? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं मिला। पुष्पा, कुछ मिला क्या? हे पूर्ण, कुछ मिला क्या? क्या सोचकर आए थे यार, कुछ भी नहीं मिला। यादगिरी, तू पागल हो गया है क्या? उस लड़की की वजह से मैं पागल हो रहा हूं। ए भाई, ये देख उसका वॉच है यहां पे। अरे इससे क्या कर लेंगे हम लोग? जरा मुझे दिखाना। उसका बैड टाइम स्टार्ट हो गया। वो क्यों? इस वॉच से? क्या है देख एक बार। ए, इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भाई अगर ये पुलिस वालों को दे देंगे तो उनके कुछ हेल्प हो जाएगी। दिखा मुझे। मर्फी ऑफनेस होम। पुलिस वाले हमारे ऑर्फन होम में क्या कर रहे हैं? बोलिए। कौन है ये लड़की? निन्यानवे करोड़ के सोने के स्कैम की मुख्य आरोपी है ये। इसका नाम है पवित्रा। इस लड़की को आप जानती हैं, ऐसा सबूत है हमारे पास। ये आपकी ही तरफ से उसे दिया गया था ना? हर साल 10th क्लास पूरा करके यहाँ से जाने वाले स्टूडेंट्स को वॉच देते हैं। ये हमारा दिया हुआ गिफ्ट है, पर इस लड़की को नहीं जानती मैं। जरा एक बार ठीक से याद करिए मैडम, ये लड़की आपके यहाँ की स्टूडेंट है। इस होम से बहुत सारे बैच गए हैं, हर स्टूडेंट से मेरा अच्छा बॉन्डिंग है, लेकिन आपने पेपर में जिस पवित्रा को दिखाया और हमारे ऑर्फन होम के पवित्रा में कोई संबंध नहीं है। एक बार पुराने कार्ड्स निकाल के देखिए मैडम। चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अरे यार जरा इस फोटो को देखना यार। अरे सर ये फोटो, सिस्टर आप इसे जानती है क्या? सिस्टर ये कौन है बताइए,
यही वो पवित्रा है ना सिस्टर? वन मिनट, ये लड़की पवित्रा नहीं है, ये ग्लोरी है। ग्लोरी, ग्लोरिया। तो फिर पवित्रा? पवित्रा को सेवेंथ क्लास में ही एक फैमिली ने गोद ले लिया था। गोद लिया था? तो फिर ये पवित्रा और इस ग्लोरी का कोई लिंक है क्या? वो एक्चुअली सेवेंथ तक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन पवित्रा अपने जन्मदिन के समय पेरेंट के साथ होम आई थी। पवित्रा ने जो सोना पहना था वो देखकर ग्लोरी का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। पवित्रा के जन्मदिन पर उसके पेरेंट्स का दिया हुआ ऑर्नामेंट्स को ग्लोरी ने चुरा लिया। पवित्रा की ज्वेलरी चोरी करने वाली ग्लोरी कभी कभी टीचर्स की गोल्ड की भी चोरी किया करती थी। उसके बाद टेंथ पूरा करने के बाद चली गई यहाँ से। उसके बाद वो हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है। इससे ज्यादा उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है सर। थैंक्स मैडम। क्या यार, इतना बड़ा शॉक मिला हमें, इसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी। भाई हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है, चलो चलते हैं। चलो चलो चलो, चलो। अरे अरे पुष्पा, चलो चलो चलो, चलो। चलते हैं। क्या हुआ तुम्हें? जल्दी आओ, जल्दी 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 करो। बैठो बैठो बैठो, आओ आओ जल्दी कर। उस गोरी लड़की की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। गोरी नहीं है यार, उस लड़की का नाम है ग्लोरी, लेकिन हमारे लिए है ये अघोरी। 99 करोड़ का सोना चुरा कर वो भाग गई और हमें फंसा दिया, उसकी तो। लेकिन भाई इतना सारा सोना लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है। अभी वो सोना कहाँ होगा? ऐसे लोग इस तरह के सोने को पिघला कर बिस्किट के रूप में बदल देते हैं, तो हम कहाँ ढूंढेंगे? हाँ भाई, इसने जो कहा वो बिल्कुल सच है। बिस्किट से याद है कि सोने को पिघलाकर बिस्किट में बदल देने का काम ओल्ड सिटी में होता है। अगर हम वहां जाकर इंक्वायरी करें तो क्या पता उसके बारे में कुछ पता चल जाए। करेक्ट है भाई, अभी चलते हैं। चलो पुष्पा, चलो चलते हैं, आराम से आ जाओ। अरे अरे अरे, संभाल के। मुझसे बोर्ड नहीं चला जा रहा है, यादगिरी पैर में बहुत दर्द है। ए भाई, पहले पुष्पा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, उसके बाद ओल्ड सिटी जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलो पुष्पा, आ जाओ। सर, वो बस्ती के लड़कों का क्या किया? सर उसी काम में लगा हूँ सर। अब हो ही गया। इस केस के बारे में मिनिस्टर साहब ने कानून अपना काम ठीक से करेगा ऐसा स्टेटमेंट देकर उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिया। और तुमसे जब भी पूछता हूँ तुम कहते हो उसी काम में लगा हूँ, उसी की छानबीन कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या कर रहे हो। लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या जवाब दूं मैं? मैंने सोचा था तुम इसे सॉल्व करोगे, बेवजह तुम्हें पावर्स दिए मैंने। वो बात नहीं है सर। ये क्या दिमाग खा रहा है सर? चाय। पुलिस की लाठी पकड़ने से बेहतर है चाय बेचना। मतलब मैं आप लोगों से अच्छी ड्यूटी कर रहा हूँ ना सर? चल निकल। ओके सर। अगर इस बस्ती के बदमाशों को नहीं पकड़ा तो और इज्जत उतारी जाएगी। नंबर 28, पेशेंट नेम नागमणि, अटेंडर रामलु। डॉक्टर अभी तक आया नहीं है पुष्पा, थोड़ी देर बाद नर्स कह रही है कि वो हमें बुला लेगी, थोड़ा धीरज रखो प्लीज। नंबर 32, पेशेंट नेम सुधा, अटेंडर सुदर्शन। डर लग रहा है यादगिरी। इतने छोटे से जख्म के लिए डरना क्यों? जख्म के बारे में नहीं तो फिर? हमें देखकर कोई पहचान ना ले इसलिए। बापरे, पुलिस आ गई। हम यहाँ आए उन्हें पता चल गया है, अब हम बच नहीं सकते। ये क्या भाई, अब तक वो लोग आ पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर चलें क्या? नहीं यार, आने से मना किया है। सबको बुला रही है, बस हमको ही नहीं बुला रही है। मैं भी यही देख रहा हूं, अगर अब इसने हमें नहीं बुलाया तो मैं देख लूंगा।
नंबर 40, पेशेंट नेम एंथोनी, अटेंडर ग्लोरी। ग्लोरी? पेशेंट नेम एंथोनी, अटेंडर ग्लोरी। ग्लोरी मतलब वही होगी क्या? वो क्यों होगी? उसके नाम से दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे ना। अटेंडर ग्लोरी, ये वही है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखा, माइल्ड स्ट्रोक। बच गए। डिस्चार्ज कर देंगे। प्रताप सर, तुम्हारी टीम बेदर की तरफ जाएगी। ओके सर। तारा, तुम हर्षा की टीम के साथ गोनी देवी की तरफ जाओ। ओके सर। जब वहां क्या हुआ रुद्र जी, अब तक जो आपको नहीं मिला वो हमें मिल गया है सर। 99 करोड़ का सोना निगलने वाले जानवर हैं ये। सर चोरी हुए कितने दिन हो गए हैं और अभी तक आप खाली बैठे हैं। उस जीपीएस को देखकर जल्दी यहाँ आ जाइए, नहीं तो ये जानवर कभी आपके हाथ नहीं लगेगा। हम लोग अलग अलग एरिया में नहीं, सब एक साथ एक ही एरिया में चलेंगे। चलो जल्दी सर। औरतों पर अपराध हो रहा है इस बात से दुखी हो या औरतें अपराध कर रही हैं इस बात से दुखी हो, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी परिस्थिति आ गई है तुम जैसे लोगों की वजह से। क्या है तुम्हारी कहानी, क्यों किया ये सब? पागलपन, सोने के प्रति मैं बहुत बहुत ज्यादा पागल हूँ। मैं एक अनाथ हूँ और अनाथ लोग रिश्तों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, मगर मैं सोने के बारे में ज्यादा सोचती हूँ। ऑर्फन होम से बाहर आने के बाद मैंने जितनी पढ़ाई की उस हिसाब से मैंने अपनी जॉब ढूंढ ली और मैंने बहुत जगह काम किया, पर वो पढ़ाई मेरी भूख मिटाने के काम नहीं आ सकी। इसलिए बहुत दिनों तक मैंने रविंद्र शर्मा के इर्द गिर्द प्रतीक्षा की। फिर मैं शर्मा जी की भतीजी बनकर कृष्णमूर्ति से नजदीकी बढ़ाई। फेक सर्टिफिकेट के साथ शर्मा बैंक में गोल्ड अप्रेजल के तौर पर ज्वाइन किया। आ, 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 आ,
अरे तुम इतनी परेशानी क्यों उठा रही हो? आप जैसे इंसान के लिए चार निवाला खाना बनाना परेशानी कैसे हो सकती है? प्यार होगा सर। मैं इस नजदीकी को बेडरूम तक लेकर गई। तुम अपनी सुंदरता मुझे क्यों सौंप रही हो डार्लिंग? तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ये आपकी डार्लिंग सोने के प्रति पागल। अच्छा, तो फिर मेरी पत्नी का 7 तोला सोना रखा हुआ है, वो सब का सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तोला मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे। तो फिर केजी चाहिए। केजी? वो कैसे? सिंपल, हमारे बैंक में गिरवी रखा हुआ सोना है ना, वो सारा वहां से निकालकर उस जगह पर उसी डिजाइन के 1 ग्राम गोल्ड रिप्लेस कर देंगे। ऐसे काम के लिए श्रीनगर कॉलोनी के ब्रांच मैनेजर रविशंकर एक्सपर्ट है, ये पता है, उसका इस्तेमाल कीजिए, पर मेरा नाम मत लाइएगा बाहर। बात वो नहीं है पवित्रा, अगर कोई कस्टमर के ऑर्नामेंट्स के बदले उसी मॉडल में 1 ग्राम गोल्ड का रिप्लेस करते हैं, तुम्हारा हिस्सा अलग और मेरा हिस्सा अलग। ऐसे काम के लिए मुझे इंस्पेक्टर देवराज की जरूरत पड़ेगी सर। मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, समझे? खुद सत्य हरिश्चंद्र चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे कह रहे हैं, तो मुझ जैसा आदमी बहुत सोच समझ कर डील करता है सर। ऐसे कृष्ण मूर्ति को मोहरा बनाकर मैंने गेम स्टार्ट कर दिया था। फेक अकाउंट्स में 1 ग्राम गोल्ड गिरवी रखकर पैसे निकाल लिए, उसी तरह बैंक में गिरवी रखा हुआ ओरिजिनल सोने को 1 ग्राम गोल्ड से मैंने रिप्लेस कर दिया। ओरिजिनल गोल्ड को बाहर निकालने के लिए एक टाइम फिक्स करती थी, उस वक्त सीसी कैमरा में एरर क्रिएट करके सेफली बाहर निकाल लेती थी। मेरे पसंदीदा जेवर को मैंने पूरी तरह वैसे ही रख कर बाकी के सभी सोने को बिस्किट के रूप में पूरी तरह बदल दिया। हमने जो धोखाधड़ी की थी वो किसी को पता चलने से पहले हमें इससे बाहर निकलना था, पर इसमें रविशंकर अचानक फंस गया। जब मेरी एक बुलेट से काम हो जाएगा तो जेल जाने की क्या जरूरत? हम पर कोई आपत्ति ना आए इसलिए कृष्णमूर्ति को उसने मार दिया। शर्मा, देखिए, आपने मुझसे धोखा खाया और मैंने आपसे सोने की ख्वाहिश की, आपकी इच्छा पूरी हो गई और मेरे भी सपने पूरे। कृष्णमूर्ति को मारकर बाहर आते ही सोने के साथ हमने बॉर्डर पार करने का सोचा था, लेकिन रास्ते में मुझे हार्ट अटैक आ गया, फिर पवित्रा ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पकड़े जाने के डर से असिस्टेंट मैनेजर शशि और कृष्णमूर्ति को मारने वाली तुम, शर्मा को जब हार्ट अटैक आया तो तुम शर्मा को लेकर हॉस्पिटल क्यों गई थी? चेक पोस्ट में शर्मा के कुछ जान पहचान वाले हैं, वो जिंदा रहेगा तभी मैं बॉर्डर पार कर सकती हूँ, उसके बाद हिस्सा ना देना पड़े इसलिए इसको भी मारने का प्लान किया था मैंने। मैं अपने भविष्य का फैसला कर रही थी कि तभी वो बस्ती गैंग मेरे अतीत के पन्नों को कुरेदने के काम पूरी तरह से करने लगे। मैं ये सब पता नहीं लगा पाई, अनाथ आश्रम में जाकर मेरे बचपन से लेकर मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड तक पता लगा लेंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। ग्लोरी ने पर्दे के पीछे जो पवित्रा थी उसको पकड़वा दिया, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर इस स्कैम के और तेरे क्राइम में उन बस्ती वालों का कोई लेना देना नहीं है? नहीं है। तो फिर वो 99 करोड़ का सोना?
जानेमन बताओ इस सोने का क्या करें हम लोग? पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्या कहा? हाँ भाई, अगर ये उनके हवाले कर देंगे तो वो हमारा पीछा नहीं करेंगे। हाँ यार, ऐसा ही करते हैं। अगर तुम लोग को सोने का कटोरा भी मिल जाए ना तो तुम उससे भीख ही मांगोगे? ऐसी है तुम लोग की बुद्धि। अरे ये हमें हमारे नसीब से मिला है तो भला हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? नसीब? हाँ, हमने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद भी हमें सजा मिली है। इसलिए भगवान चाहता है कि बिना मेहनत के हम जिंदगी भर खुश रहें। तो फिर जिन्होंने ये सोना गवाया है उनके दुख का क्या भाई? उसके लिए हम क्या करें? इसकी जिम्मेदारी बैंक वालों की है। पर ये सही नहीं है यादगिरी। नो मोर किरकिरी, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। ए, तू क्या धमका रहा है? नहीं सुनेंगे तो क्या करेगा? क्या करेंगे, हम जैसे ही बस्ती में जाएंगे कर्जा लेने वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और वैसे भी तूने पेपर पे साइन कर दिया है, वो सब कुछ छीन ले जाएंगे। और सेंदिल, तुझे तेरा मालिक गैरेज में कदम भी नहीं रखने देगा। बात वो नहीं है भाई, हमारा समझ ले मेरे भाई, तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा इसकी गारंटी मेरी है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सच कह रहा हूँ, भगवान आज हम पे बहुत मेहरबान हुआ है। अब तुम लोग इस यादगिरी के स्क्रीन प्ले को फॉलो करो। तारा सर, रविशंकर, भास्कर और कृष्णमूर्ति मर गए। देवराज, रविंद्र शर्मा और पवित्रा अंदर चले गए। सबका चैप्टर क्लोज हो गया, पर हमारे ये बस्ती वाले 99 करोड़ का सोना लेकर कहां गए पता नहीं। रुद्रा भाई, चश्मा लगा ले भाई। ये पैसे वालों का स्पीड बहुत ज्यादा है, अंदर डालूंगा तब सुधरेंगे। सर समोसे दूं क्या? नहीं, एक और चाय दे दे। ठीक है सर। क्या हुआ, हुआ बे? जरा सामने देखो भाई। ऑन बजा, वो खुद ही हट जाएगा। पुलिस भाई, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकलना चाहते हैं। तुम्हारे पास जो 99 करोड़ का कीमती सोना है वो मेरे हवाले कर दो तो छोड़ दूंगा, वरना सबके सब मरोगे।